जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है? एक दो लोग बताएं जरा हैंड रेज करके। ठीक है, इसका मतलब आवाज प्रॉपर आ रही है। अच्छा, इससे पहले कि हम लोग ये जन मुझे ये दे कि हम नेक्स्ट नेक्स्ट को डिस्कस करें, अगर आप लोगों में से कुछ क्वेश्चन आपने करने हो जो हमने रेशो किया था। रेशो क्या चीज है? कंपैरिजन है। लास्ट टाइम हमने यहाँ से आप समझ लें कि वो प्रॉब्लम डिस्कस किए जो कि आपके बिजनेस के रेलेवेंट थे, कि तीन पार्टनर हैं, वो बिजनेस में शेयर कर रहे हैं, एक ने 9,000 किया, एक ने 6,000, एक ने 3,000, और फिर जब उनको एट द एंड प्रॉफिट आ गया है, और अब हमारी कंसर्न ये है कि जी अब प्रॉफिट उनको देना है तो उस हिसाब से देना जिस तरह से उन्होंने बिजनेस में कंट्रीब्यूशन की है। अब जिसकी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, 9,000, फिर 6,000, फिर 3,000, एक तो कंट्रीब्यूशन हो गई, लेकिन देखिए उनका टाइम भी डिफरेंट है, क्योंकि एक ने ईयर तक कंट्रीब्यूशन किया है, एक की इन्वेस्टमेंट 9 मंथ्स तक है, एक की 7 मंथ्स तक है। अब उनके पैसे इन्वेस्टमेंट भी कम ज्यादा है और उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसका टाइम फ्रेम भी कम ज्यादा है, तो आप रेशो की मदद से उनका कंपैरिजन कर ले उनकी इन्वेस्टमेंट की वर्थ का। अगर वो ट्वाइस डबल डबल उनकी इन्वेस्टमेंट है किसी भी पर्सन की, तो आप उसको प्रॉफिट में भी डबल शेयर देंगे, और अगर वो 3 टाइम्स और 4 टाइम्स है तो उस हिसाब से आप उनको जो है वो शेयर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। फिर एक एग्जांपल हमने एग्जांपल 9 की, जिसमें तीन पार्टनर थे और उनको आपने शेयर उनकी डिवीजन करनी थी, जिसमें ये मैं चीज मेंशन थी कि अली और बाबर को तो आपने जो डिस्ट्रीब्यूशन करनी है उनका पैटर्न तो होना चाहिए 2:3 के साथ, लेकिन जो बाकी दो बाबर और शाहिद वो 4:5 के साथ। अब एक ही प्रॉब्लम में जब आप दो दो चीजें कर रहे हैं, 2:3 भी कर रहे हैं, 4:5 भी कर रहे हैं, तो देन फिर हमने कहा कि उनको एक रेशो में लेकर आए, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 8 × 12 एंड देन 15। नोट करें ये 2:3 की रेशो में है, इसको नोट करें तो ये 4:5 की रेशो में है, दोनों रेशो मेंटेन हो रही है, एंड देन सिंपल जो 3 टाइप्स रेशो बन गई वो 8, 12 और 15 की रेशो बन गई। और उसके बाद वही एक पैटर्न कि अगर 35 रुपीज की डिस्ट्रीब्यूशन करनी हो तो इसका कंट्रीब्यूशन 8 बनता है, इसका 12 बनता है और इसका 15, तो इस तरह से करते हैं हम, तो आउट ऑफ 1 बन जाता है। और चूंकि हमने एक्चुअली 700 रुपीज उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने थे, डिवाइड करने थे, तो उस हिसाब से हमने यार मेरे से आप मैंने ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਲੋ ਤਾਦਾ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਜੀ ਜੀ ਅਬ ਜਿਸਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੋ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੇ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਅਬ ਆਪਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕੀਏ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਟਰੂ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਇਹ ਹਰਕਤ ਹੋਗੀ ਤੋ ਮੈਂ ਜਸਟ ਆਪਕੇ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਆਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਕਲਾਸ ਸੇ ਆਫ ਕਰੂੰਗਾ, क्लास को आपसे रिमूव कर दिया जाएगा, एंड देन यू वुड नॉट बी अवेलेबल टू ज्वाइन माय क्लास एज वेल, तो बी केयरफुल फॉर द नेक्स्ट टाइम। इसने क्वेश्चन करना है जस्ट रेज हैंड। मैं आपको पूछता हूँ, मैंने कहा कि उस वक्त आपने अपने माइक ऑन करने हैं जब मैं आपको अलाउ करूंगा ना, मैं बार बार माइक ऑन करूँ, ऑफ करूँ, ऑन करूँ, ऑफ करूँ, मैं इस बॉदर से बचना चाहता था। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट अगर आपने खुद ही अपने माइक ऑफ कर लिए तो एज अ पनिशमेंट आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, और फिर देखेंगे कि आपको ज्वाइन करने भी दिया जा रहा है कि नहीं। जी अफनान शौकत ने हाथ खड़ा किया, आप अपना माइक ऑन करें। जी करें माइक ऑन और मुझसे क्वेश्चन पूछें। नो वन, ओके। देखें ना आप ऐसे ही आप हैंड रेज करते हैं, जब मैं कहूंगा उस वक्त आपने अपने माइक ऑन करने हैं, अदरवाइज आपके माइक ऑफ होने चाहिए। जिसका माइक मैंने ऑन देख लिया मैंने उसको क्लास से रिमूव कर दिया। जी अब नेक्स्ट जो आर्टिकल हमने यहाँ पर कवर करना है रेशो के बाद,
नेक्स्ट वन इज प्रोपोर्शन. प्रोपोर्शन क्या चीज है, जरा थोड़ा सा पहले रेशो को डिवाइड एक्सप्लेन कर दिया. रेशो इज वन थिंग कंपेयर टू आर रिलेटेड टू अनदर थिंग. यानी कि रेशो क्या थी, दो 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 चीजों का आपस में, वो वेट हो सकता है, वो प्राइस हो सकती है, वो उनकी हाइट हो सकती है, या वो उनकी शेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है. लेकिन वन थिंग इज कंपेयर टू ना अदर, इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट आर एन एक्सप्रेशन. अ प्रोपोर्शन इज टू रेशियोस दैट हैव बीन सेट इक्वल टू ईच अदर. यानी कि प्रोपोर्शन जो है वो एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें दो दो थिंग्स का कंपैरिजन नहीं है बल्कि दो रेशोस का कंपैरिजन है. फॉर एग्जांपल आपको बताया गया कि रेशो जो है वो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए रेशो बी, या अनदर नोटेशन इज फ्रैक्शनल फॉर्म ए ओवर बी. फर्ज करें एक और रेशो है सी और डी का कंपैरिजन, तो हम उसे लिखेंगे सी रेशो डी, और अगर आप उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना चाहें तो सी रेशो डी. तो पहला जो है इसमें मैंने दो क्वांटिटी, एक ए थी एक बी थी, उसका कंपैरिजन मेंशन किया हुआ है, और दूसरी जो रेशो है उसमें मैंने जो कंपैरिजन मेंशन किया हुआ है वो सी और डी का है. प्रोपोर्शन क्या चीज है, प्रोपोर्शन है इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज दैट सेट इक्वल टू ईच अदर. वो देखते हैं क्यों प्रोपोर्शन करनी है ना, मैं तो सिर्फ नोटेशन आपसे अभी फिलहाल शेयर कर रहा हूं. तो प्रोपोर्शन के लिए ये फोर डॉट्स यूज किए जाते हैं, रेशो के लिए वर्टिकली टू डॉट्स और प्रोपोर्शन के लिए ये फोर डॉट्स, तो ये प्रोपोर्शन की नोटेशन यूज की जाती है. तो देखें इसमें हम अगर आप इसको पढ़ें तो मैं कह सकता हूं कि दिस क्या था, अ प्रोपोर्शन इज टू रेशोस दैट हैव बीन सेट टू इक्वल. आप कहें जी कि यहां तो आपने इक्वल का साइन तो नहीं लगाया, तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर हम रेशो को इस पैटर्न से लिखें तो फिर हम यहां पर इक्वल साइन पुट करें. तो एक ही वे है, यानी कि अगर आपने प्रोपोर्शनल नोटेशन यूज करनी है तो फिर इस रेशो को लिख के, और हम कहा जाता है कि रेशो ऑफ ए टू बी इज प्रोपोर्शनल टू रेशो ऑफ सी टू डी. एंड देन अगर आप उसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखें तो वही चीज लिखी हुई है, a over b which is a ratio of a to b is equal to ratio of c to d. तो proportion आपको मैंने explain कर दी, basically it is the ratio, it is the proportion or it is the equality of two ratios. तो ये जो a और d हैं, और आपको ये भी इस चीज का भी idea है कि ratio लिखते हुए ये नहीं कि जो मर्जी क्वांटिटी आप पहले लिख दें, जिस मर्जी क्वांटिटी को आप बाद में लिख दें और कहें कि ये एक ही बात है जिस तरह से मर्जी आप लिख रहे, तो ऐसा नहीं है. ये इंपॉर्टेंट है कि विच शुड बी वी शुड राइट फर्स्ट एंड विच वी शुड राइट सेकंड. तो ए और डी, ये जो रेशो है ए और डी, इनको हम एक्सट्रीम्स कॉल करें. ए एंड डी आर एक्सट्रीम्स. ये एक्सट्रीम्स हैं, ए और डी को हम एक्सट्रीम्स कॉल करते हैं, और जो बी एंड सी है, बी एंड सी, इन्हें हम मींस कहते हैं, एक्सट्रीम्स एंड मींस. तो ए और डी जो एंड पर है, जो आखिर पर है, वो एक्सट्रीम्स, और जो इनसाइड क्वांटिटीज इनसाइड नंबर आ रहे हैं बी और सी, इनको हम मींस कॉल करते हैं, ये मींस हैं. और एक बड़ा ही पॉपुलर सा फार्मूला हम यूज किया करेंगे, एक्सटेंसिवली यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस. प्रोडक्ट ऑफ मींस, ये फार्मूला हमने जो है वो बहुत दफा अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर. तो एक तो मैंने आपको प्रोपोर्शन समझाया, इक्वालिटी ऑफ टू रेशो लिखने का वे बताया, टू देयर आर टू मेथड्स टू राइट, और फिर बताया कि जी प्रोपोर्शन में जो जो एंड्स हैं ए और डी, ये इस प्रोपोर्शन के एक्सट्रीम्स कहलाते हैं, और जो इनसाइड नंबर आते हैं प्रोपोर्शन में बी और सी, वो उसके मींस कहलाते हैं. और एक रिजल्ट है, एक थ्योरम है, एक प्रोसीजर है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि ए और डी का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ मींस के बराबर. देखिए आप ना बहुत दफा ये यूज कर रहे होते हैं.
ये थ्योरम यूज कर रहे होते हैं लेकिन आपको शायद आइडिया नहीं होता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहां पर आप यूज कर रहे हैं। देखें जो जो सेकंड रोटेशन मैंने लिखी है a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, इन दोनों को जरा आपस में मल्टीप्लाई करें, जिसे आप क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं ना अक्सर एलिमेंट्री क्लासेस में। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो a इंटू d इज इक्वल टू d इंटू c, तो आपने क्या किया इनको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें ये क्या है a इंटू d क्या चीज है, a और d क्या है एक्सट्रीम और उनका क्या हो रहा प्रोडक्ट, तो आपने ये नहीं लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू b और c क्या है मींस लिखा हुआ था या मींस है, तो ये उनका क्या है प्रोडक्ट, तो ये लिखा हुआ आपने तो यूज तो करते हैं आप जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो आप एक्चुअली ये चीज यूज कर रहे होते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस। तो ये मैंने प्रोपोर्शन क्या है उसको मैंने थोड़ा सा इंडिकेट किया है कि अगर आप उस मेथड से लिखें a रेशो b प्रोपोर्शन टू c रेशो d, एक ये वे है प्रोपोर्शन लिखने का, या a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, तो ये हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। अब प्रोपोर्शन इज टू रेशो दैट हैव बीन सेट इक्वल टू ईच अदर, तो बात की बात है कि यहाँ कहाँ कब यूज करना है, तो मैं जरा पहले प्रोपोर्शन तो समझा लूं कि जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। अच्छा इसके बाद नोट क्या है, a एंड d आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स where b and c are called means, और एक रिजल्ट है जो अभी लिखा था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस, जिसके मुताबिक एक्सट्रीम a और d है इनका प्रोडक्ट जो है वो जरूर b और c प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी कि अगर आप इनको इनको मल्टीप्लाई कर दें और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो देन आप कहेंगे कि इनका जो प्रोडक्ट है वो बराबर। देखिए अगर मैं फर्ज करें मैं लिख देता हूं 1/2, क्या 8/16 के एक ही बात है, 8/16 एक ही बात है ना, 1/2 रेशो लिख दी जाए या मैं 8/16 रेशो लिख देता हूं तो बात तो एक ही है, क्योंकि 8/16 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे ये भी तो 1/2 बनती है, तो कह सकता हूं कि ये वाली रेशो या ये वाली रेशो हो ये दोनों इक्वल ही हैं, बिल्कुल सही लिखा हुआ है 1/2 या 8/16, 8/16 भी तो 1/2 ही बनता है ना, तो इसका मतलब ये वैसे तो मैथमेटिकली देखा जाए तो आप कहेंगे 1/2 और उधर 8 है वो कैसे बराबर है, मैं रेशो की बात कर रहा हूँ, सॉल्व करें तो बराबर नहीं आएगा, अगर आप इसे डेसिमल्स में भी ले जाएं तो 0.5 उधर आएगा 0.5 उधर आएगा द सेम, तो इसका मतलब ये मैंने ठीक लिखा हुआ है। अब जरा करें क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 16 इज इक्वल टू इसे क्रॉस मल्टीप्लाई 16, तो क्या बराबर नहीं होगा, बराबर कब होंगे जब हम कहेंगे ऐसी हम रेशो लिखेंगे कि जब वो आपस में इक्वल होंगी तो देन हम लिख के बता सकते हैं। अब देखिए फर्ज करें एक शख्स कहता है जी अगर ये चीज लिखी हुई हो, पहली बात ही गलत है, 1/2 जो है वो 7/16 के बराबर तो नहीं होता, अब इसके बाद अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप कहें ये बराबर क्यों नहीं आ रहे, इसलिए कि आपने यही चीज गलत लिखी हुई है, तो ये तो फिर कैसे सही हो सकती है ना, ये तो नहीं हो सकती, लेकिन हर वो स्टेटमेंट जो कि हमने सही लिखी हुई हो अगर उसके ऊपर आप प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मींस लिखेंगे तो दैट्स ट्रू, बिल्कुल वो सही आएगा। अब एक जरा प्रॉब्लम करते हैं, ये मैं बाद में पढ़ता हूँ कि क्या लिखा हुआ मैंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक्चुअली प्रोपोर्शन जो है वो दो तरह की होती है, तो प्रोपोर्शन एक्चुअली दो तरह की होती है, एक एक जो है वो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को बाद में देखते हैं, पहले तो है कि वो हम लोग एक प्रॉब्लम पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, फिर मैं इस स्टेटमेंट पर आता हूं कि ये क्या है। एग्जांपल नंबर 11 यानी कि आपके जो मैथमेटिक्स के नोट्स हैं उनमें भी यही एग्जाम्पल जो है वो मेंशन की गई होगी, दैट इज एग्जाम्पल 11। इफ अली कैन टाइप एट द रेट ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट, अली को टाइपिंग करता है और उसका टाइपिंग रेट आपको बताया गया है कि अगर उसे एक मिनट का टाइम दिया जाए तो उसकी स्पीड इतनी है कि वो 35 वर्ड्स जो है वो आपको टाइप करके दिखा सकता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू टाइप 987 वर्ड्स, कि अगर आप उसको अली को 987 वर्ड्स काम करने के लिए दे दिए जाएं तो कितनी देर में ये काम जो है वो उसका कंप्लीट हो जाएगा। ये अब बिजनेस में ऐसा ही है कि कोई एक वर्कर है
पता चलता है जी कि ये जो वर्कर है उसको कोई पैकिंग कर रहा है, वो एक घंटे में इतने पैकेट फर्ज करें पैक कर देता है, और हम कहते हैं जी अगर हमारे पास इतने पैकेट आ जाएं पैकिंग के लिए, तो उस वर्कर को कितना टाइम रिक्वायर होगा कि वो अपने उस पैकेट्स को जो है वो पैक कर सके, ताकि हम जो बिजनेसमैन है या जो भी मैनेजर है वो कैलकुलेट करके रख ले कि भी मैंने उसको इतना काम करने के लिए दिया है, तो मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक उसको ये 4 घंटे में या 5 घंटे में ये काम उसे फिनिश करना चाहिए। ये इसकी एक प्रैक्टिकल नेचर है। अच्छा, अब आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपने रेशोस लिखनी। इसमें जो चीज अननोन है, हमें क्या चीज अननोन है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक, टाइम अननोन है, तो आपने क्या करना है, टाइम पहले लिख लेना है क्योंकि वो अननोन है, और दूसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो वर्ड्स की है, यानी कि दो चीजें है ना, एक टाइम और एक वर्ड्स, तो वो वर्ड्स आपने बाद में लिख लिया। अच्छा, एक डेटा आपको दिया हुआ है, ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, इस डेटा के मुताबिक अगर टाइम 1 मिनट हो तो वर्ड्स 35 है। अब दूसरे डेटे में एक चीज मिसिंग होगी जो कि आपने मालूम करनी है, टाइम अननोन है, आप उसे एक्स लिखा करें कि जी यही तो हमने मालूम करना है, और वर्ड्स आपको मालूम है, दैट इज 987। तो पहला काम के डेटे को आप प्रॉपर वे से कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें वर्ड्स और टाइम का जिक्र हो रहा है, कि वर्ड्स और टाइम जो है उसको हम लोग ने मेंशन करना है, तो देन आप पहले अननोन, टाइम अननोन है वो पहले लिख लिया, वर्ड्स का पता है वो बाद में लिख लिया, और उसके बाद आपने एक डेटा आपको अवेलेबल होगा 1 मिनट 35 वर्ड्स, हाउ मेनी मिनट्स एक्स 987 वर्ड्स। अच्छा, इसके बाद अब आपने देखिए रेशो की जब मैं बात कर रहा हूं तो रेशो तो मैंने पहले बोला कि रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, तो मैं टाइम और वर्ड्स की रेशो नहीं ले सकता, वर्ड टू वर्ड्स रेशो तो हो सकती है, यानी कि इनकी रेशो तो मैं कर सकता हूं, इनकी रेशो भी आपस में ली जा सकती है, लेकिन इसकी और इसकी तो नहीं रेशो हो सकती, क्यों, उधर टाइम है उधर वर्ड्स है, रेशो क्या चीज है, इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, सिमिलर क्वांटिटीज नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, नोट ये आपने करना है कि उसे अब जो काम करने के लिए कहा जा रहा है 987 वर्ड्स, ये प्रीवियस वर्ड्स से हाउ मेनी टाइम्स ज्यादा काम है, समझ रहे ना, अगर मैं आपको कहूं कि उसको 70 वर्ड्स टाइप करने हैं तो इसका मतलब है कि उसके वर्ड्स डबल हो गए हैं, 2 मिनट में कर देगा, अगर 35 वर्ड्स 1 मिनट में करता है और 70 वर्ड्स उसे अगर टाइप करने तो 2 मिनट में टाइप कर देगा। बस यही चीज आप नोट कर लें कि जो काम उसे अब करना है दैट इज 987 वर्ड्स, इसका कंपैरिजन कर दें पहले टाइम के साथ, यानी कि 35 वर्ड्स के साथ, कि कितना ये हाउ मेनी टाइम्स मोर वर्ड्स उसको टाइप करने हैं। ठीक, जितना आपको वर्ड्स, जितने टाइम्स वर्ड ज्यादा टाइप करने हैं 5 गुना, तो पहले टाइम को भी आप 5 गुना कर दें तो न्यू टाइम आ जाए, बस यही आज का आंसर है कि उतना ही उसको ज्यादा कर दें, जितने नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड ज्यादा हैं, डबल हैं तो आम भी डबल कर दे 2 मिनट, अगर वर्ड्स पहले की निस्बत 3 गुना ज्यादा हो गए हैं तो टाइम को भी 3 गुना कर दें 3 मिनट। ठीक, अब इसको टेक्निकल वे से हमने करना है एक्चुअली कैसे, इसके लिए आप देखेंगे कि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स मैं अगर ऊपर को एरो दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं इंक्रीज की बात कर रहा हूं। अच्छा, अगर उसे वर्ड ज्यादा टाइप करने हैं तो आप क्या बताएंगे कि उसे टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, ज्यादा वर्ड्स टाइप करने हैं उसने तो जल्दी अपना काम खत्म हो जाएगा, जितना ज्यादा आप काम उसे देंगे वो उतने ही कम मिनट में कर लेगा, या जितना ज्यादा टाइम होगा, जितना ज्यादा वर्ड्स करने होंगे उतना ही उसको जो है वो टाइम ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसका मतलब है कि टाइम भी ज्यादा ही लगेगा। वर्ड्स जो डेटा आपको गिवन है किसी एक साइड पे कर लें, आप कहें जी फर्ज करें वर्ड्स उसे कम टाइप करने हैं, काम उसका काफी कम हो गया, उसे 10 वर्ड टाइप करने के लिए दिए हैं तो टाइम उसको ज्यादा लगेगा, 10 वर्ड काम उसका कम कर दिया हमने तो फिर टाइम भी तो कम लगेगा ना, टाइम भी तो कम लगेगा ना, एक ही बात है, वर्ड्स आप जो डेटा दिया हुआ हो आप अपनी मर्जी है उसे कहें अच्छा ज्यादा इसको बढ़ा के देखें तो देखें टाइम के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जी टाइम भी ज्यादा लगेगा, अगर कम करेंगे कम लगेगा, दोनों वेरिएबल
वर्ड्स और टाइम सेम डायरेक्शन मूव करते हैं. सेम डायरेक्शन मतलब ये अगर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, या इन अदर वर्ड्स बात एक ही है, ये काम होगा तो ये भी काम होगा. तो मैं इसे कह रहा हूं ये सेम डायरेक्शन. ये थोड़ा सा साइड पे आप जरा इंडिकेट कर लेंगे कि जी क्या एक इसको बढ़ने से वो बढ़ता है, तो ये ऐसा ही है. अब जरा मैं पढ़ता हूं डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम कहते किस. द रिलेशनशिप बिटवीन टू रेशियोज इन विच, ये इंपॉर्टेंट है, इंक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेस अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन सेकंड क्वांटिटी, और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेस अ डिक्रीज इन अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो फिर क्या बन गए कि अगर जी एक क्वांटिटी में इंक्रीज आती है वर्ड्स, टाइम में इंक्रीज, या क्वांटिटी वर्ड्स डिक्रीज, टाइम डिक्रीज, तो हमें पता चल गया ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो डेटा लिखने के बाद हमारा नेक्स्ट जॉब ये होगा, ये हमने देखना होगा कि क्या ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं. तो ये डायरेक्ट है. अब हमने प्रोपोर्शन लिखनी कैसे है, क्योंकि हम रेशो इसकी ले सकते हैं, तो क्या करें, एक्स टू द रेशो वन करते हैं. एक्स टू द रेशो वन, जो अननोन है वो पहले लिख दें और जो टाइम नोन है वो बाद में. तो मैं रेशो तो टाइम को टाइम के साथ ही हो सकती है ना, सिमिलर थिंग्स तो टाइम इनटू टाइम ही है. अच्छा, और जब डायरेक्ट हो, बस फर्क डायरेक्ट का क्या करना है, डायरेक्ट अगर हो तो देखिए एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा था 987 वर्ड्स और वन के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा क्या था 37 वर्ड्स. अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो तो फिर आपने एक्स चूंकि पहले लिखा हुआ है और x के corresponding data 987 words हैं, तो proportion के बाद आपने वो भी पहले ही लिखना है. अगर x पहले है और x का corresponding data 987 है, वो आपने पहले लिखना है, and then one बाद में लिखा है, one के corresponding data 35 words हैं, तो वो आपने बाद में लिखना है. किस सूरत में या किस सिचुएशन में, जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कैसे पता चलता है, आप देखें जी अगर मैं एक इस क्वांटिटी को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, टाइम बढ़ाऊंगा तो ज्यादा वर्ड टाइप होंगे. यस, टाइम ज्यादा होगा तो आप ज्यादा ही काम कर सकते हैं ना. आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया है कि अब आप क्या कहना चाहते हैं, अब आप ये कहना चाहते हैं कि जितना काम बढ़ा है, जितने टाइम्स कह दे उतने टाइम्स ही आपने, उतने गुना उतने टाइम्स ही आपने मिनट्स को भी बढ़ा देना है, तो अब आप आंसर कर सकते हैं. आप नोट करेंगे कि 987 वर्ड्स जो है, हाउ मेनी टाइम्स बिगर देन 35 वर्ड्स, पता चलता है वो 28 गुना ज्यादा है. टाइम को भी 28 गुना कर दें, हाँ डेसिमल में भी आ जाएगा तो कोई मसला नहीं हमें. तो अब ये एक हमने रेशो उनकी सही वे से सेट करके लिख दी. फॉर्मूला लगा दें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यहाँ एक्सट्रीम जो है वो 35 और एक्स है, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, एक ये हो गए एक्सट्रीम्स. और मींस कौन कौन से हैं, वन मल्टीप्लाई विद मैम 987, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, और यहाँ से एक्स का 987 डिवाइडेड बाय 35 28.2, तो 28.2 मिनट में वो अपना काम फिनिश कर लेगा. अगर वो 35 मिनट, एक मिनट में 35 वर्ड टाइप कर सकता है, और उसे अगर काम दे दिया जाए 987 वर्ड्स टाइपिंग का, तो वो अपने काम को 28.2 में खत्म कर सकता है. तो मैं रिपीट कर रहा हूं, पहले आप नोट करेंगे कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है, देन उस इंफॉर्मेशन को आपने लिख लेना है. जो अननोन है उसे पहले लिख लें, जो मालूम है उसे बाद में लिख लें. एक डेटा आपको अवेलेबल होगा, एक जिसमें टाइम और मिनट अवेलेबल है, और दूसरे में एक चीज वो स्किप करेगा और दूसरी चीज आपसे पूछेगा. इसके बाद आपने नोट क्या करना है कि जी क्या प्रोपोर्शन उनके दरमियान डायरेक्ट है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कैसे पता चलेगा, आप कहें जी कि अगर ये क्वांटिटी टाइम अगर इंक्रीज करता है तो जी वर्ड्स ज्यादा होंगे, ज्यादा ही टाइप कर सकता है ना, डेटे को समझे ना, वर्ड टाइपिंग है, ज्यादा कर सकता है. अगर उसके पास टाइम कम होगा तो ज्यादा वर्ड्स टाइप कर सकता है, नहीं जी वर्ड्स भी कम ही टाइप करेगा,
यानी कि दोनों सेम डायरेक्शनल मूव करते हैं. अगर एक में इंक्रीज कॉजेज एंड इंक्रीज इन अदर, अगर एक में डिक्रीज कॉजेज एंड डिक्रीज इन अदर, तो आप कहेंगे इनमें डायरेक्ट है. तो डायरेक्ट लिखने के लिए जो अननोन है रेशो में वो पहले लिख लें, जो मालूम है वो बाद में. तो रेशो तो टाइम की ली जा सकती है ना, प्रोपोर्शनल. और चूंकि x पहले है और x का डेटा कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा 987 है, वो पहले आएगा और 35 बाद में आएगा. उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट. आई मीन ये बहुत ही आप समझ लें एक बेसिक मैथमेटिक्स का जो एक क्वेश्चन है जो बड़ा पॉपुलर है. अक्सर आपको अगर वो आपको कहीं कहते हैं ना कि जी हम आपका जरा बेसिक मैथ टेस्ट लेंगे ताकि पता चले कि आपका मैथमेटिक्स कैसा है, बेसिक्स आपके मैथ्स के कैसे हैं, तो ये रेशो के बड़े पॉपुलर क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम में आ रहे हैं. ठीक है जी. अच्छा, ऑल्दो मैंने नोट्सों में प्रॉब्लम सारे सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन मेरी इंटरेस्ट है कि आप एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो जरा थोड़ा सा खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि जी कैसे हमने डेटा जो है वो प्लेस करना है. अली सॉल्व 64 क्वेश्चन इन 40 मिनट्स. एट दिस रेट हाउ मैनी क्वेश्चन कैन ही सॉल्व इन 15 मिनट्स. अगर वो 64 क्वेश्चन 40 मिनट में सॉल्व कर लेता है, तो आपने बताना है कि अगर उसके पास टाइम सिर्फ 15 मिनट हो तो कितने वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, जो इसको कर लेगा वो जस्ट हैंड रेस करेगा. ऑल्दो मैंने अब कर ले, आप कॉपी से देख के करके कहते कर लिया, आपने अपने आप को जो है वो ब्लफ. अब्दुर्रहमान आप अपना माइक बंद करेंगे. जी हारून, हारून आप अपना माइक ऑन करें और बताएं क्या आंसर फाइंड किया आपने. हारून अजीम, हारून नहीं, वो मेरी आवाज सर 22.3 आ रहा है. 22.3 ओके, चलें अपना माइक ऑफ कर दें आप. वलीद जाहिद, आपने क्या आंसर फाइंड किया है? 24. ओके. अहमद रजा, आपका आंसर? 24. ठीक है, आपने जैसे ही आंसर किया करें अपना माइक फौरन बंद किया करें ताकि अब बाकी डिस्टर्बेंस. चलें जी देखते हैं व्हाट इज द आंसर. तो आंसर हमारे पास है 24. कैसे? इसमें क्या चीज थी? क्वेश्चन और टाइम का जिक्र था. क्वेश्चन उसने कहा था हाउ मैनी क्वेश्चन, तो क्वेश्चन अननोन थे वो मैंने पहले लिख दिया. टाइम मालूम था वो बाद में लिख दिया. और अब नोट करना था कि डायरेक्ट है कि नहीं. तो मैंने देखा कि अगर मुझे क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने के लिए दे दिए जाएंगे तो मुझे ज्यादा टाइम रिक्वायर. वही बात है ना, वर्ड्स की जगह बस क्वेश्चन आ गया और तो कुछ नहीं है इसमें. और फर्क सिर्फ ये पड़ा कि उधर टाइम पूछा हुआ था, इधर क्वेश्चन पूछ लिया. अब लिखते वक्त x रेशो 64, लेकिन फिर क्या किया आपने कि जी चूंकि ये डायरेक्ट था x के कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम 15, x पहले तो 15 पहले, 40 बाद में, 64 क्वेश्चन है वो अगर प्रपोर्शन रेशो में बाद में आ रहे हैं तो 64 क्वेश्चन के रेलेवेंट जो टाइम है वो भी बाद में लिखा है. अच्छा, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कोई ऐसे लिख ले, दैट्स फाइन, ठीक है, वो भी उसमें कोई हर्ज नहीं. 64 रेशो x, लेकिन फिर इसकी केयर करनी है. अब 64 के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा क्या है? 40, वो पहले आएगा. x के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा क्या है? 15, वो बाद में आएगा. कब? जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स 64 × 15 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 40 × x. और जब आप x का आंसर फाइंड करेंगे तो 40 इसकी जो है वो बेस पर आ जाएगा और x का आंसर आप फाइंड कर लेंगे. ठीक है ना. तो देन देखें क्या आंसर आ रहा है. ये वही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वही आ रहा है. 40x is equal to 15 × 64 और आंसर जो है वो फिर भी वही आएगा. तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि जी हमने x को पहले ही लिखना, बाद में लिख दें, लेकिन इस चीज की केयर करनी. 64 का डेटा 40 अब पहले आ रहा है, x बाद में है तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा 15 जो है वो भी बाद में आ रहा है. कब? When there is a
डायरेक्ट प्रोपोर्शन इन द डेटा, इनवर्स प्रोपोर्शन ये बाद में पढ़ते हैं कि व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, इसको बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि क्या है। एग्जाम्पल 13 है, अ हॉस्पिटल हैज, आपने पढ़ना है, अ हॉस्पिटल हैज एनफ पिल्स ऑन हैंड टू ट्रीट 10 पेशेंट फॉर 14 डेज। अब पिल्स कितनी है, कितनी उनके पास मेडिसिन है उसका तो पता नहीं है, लेकिन वो कहता है कि उनके पास इतनी मेडिसिन है कि अगर 10 पेशेंट आ जाते हैं हॉस्पिटल में तो 14 डेज तक वो मेडिसिन जो है वो इतनी मिकदार में उनके पास अवेलेबल है कि वो मेडिसिन, वो पिल्स जो है वो यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग द पिल्स विल लास्ट इफ देर आर 35 पेशेंट, कहता है वही मेडिसिन पिल्स गोलियां कितनी देर तक चलेंगी अगर पेशेंट जो है वो 35 आ जाए। 10 के लिए तो वो 14 डेज तक की एनफ है मेडिसिन, लेकिन अगर पेशेंट 10 से 35 पे चले गए, और आप कह सकते हो ना 3 टाइम से भी ज्यादा हो गए ना, अगर 3 टाइम होता तो 30 बनने थे, तो अब आप बताएंगे कि डेज कितने दिनों तक वो जो है वो लिख सकते हैं। अगेन डेज और पेशेंट का जिक्र है, डेज पूछे हुए हैं, तो डेज मैंने पहले लिख दिया, पेशेंट बाद में लिख दिया, ये डेटा मुझे अवेलेबल था 14 डेज 10 पेशेंट, हाउ मेनी डेज अगर पेशेंट 35 आ। तो ये तो एक स्टेप आपने कर लिया, डेटा आपने ठीक तरह से प्लेस कर दिया। अब आप देखें, ज़हन में रखना है कि पेशेंट मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन तो उतनी है, वो उतनी बड़ी, अगर ज्यादा पेशेंट आ जाते हैं हॉस्पिटल में तो मेडिसिन डेज की बात हो रही है ना, जल्दी खत्म हो जाएगी, कम दिनों में खत्म हो जाएगी, या जितने ज्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में आएंगे वो जो मेडिसिन तो उनके पास वही पड़ी हुई है, क्योंकि मेडिसिन तो नहीं उन्होंने और मंगवाई, कहीं नहीं जिक्र के पिल्स, बस वही पिल्स हैं। तो आप सोचेंगे जी अगर पेशेंट की तादाद हॉस्पिटल में ज्यादा हो जाएगी, पेशेंट्स की तादाद हॉस्पिटल में ज्यादा हो जाएगी तो वो जो मेडिसिन है वो भी ज्यादा दिनों में ही जाके खत्म होगी, नहीं वो जल्दी खत्म हो जाएगी, डेज कम रह जाएंगे। फर्ज करें अगर पेशेंट आधे रह जाएं तो फिर मेडिसिन ज्यादा दिनों तक चलेगी, पेशेंट ज्यादा हो जाएं तो डेज कम हो जाएंगे। जैसे काम करना है, 2 मजदूर लगाए हैं, वो काम खत्म करते हैं 3 दिन में, मजदूर आपने 2 से 6 कर दिए तो आप ये तो नहीं कहेंगे अब वही काम वही एक पीस ऑफ वर्क 8 दिन में खत्म होगा, भाई आपने अगर लेबर की तादाद बढ़ा दी है और आप काम जल्दी कराना चाहते हैं तो कम डेज में खत्म हो जाएगा। तो अब आपको आइडिया हो गया कि दोनों क्वांटिटी अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हैं, यानी कि अगर एक क्वांटिटी में इंक्रीज आती है तो देन देयर इज अ कॉरेस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। द रिलेशन बिटवीन टू रेशियो इन विच इंक्रीज इन वन कॉजेज अ डिक्रीज इन अदर, है ना, अपोजिट हो गया, उसमें क्या था इंक्रीज इन वन कॉजेज एंड इंक्रीज इन अदर, और अब क्या है इंक्रीज इन वन कॉजेज अ डिक्रीज इन अदर, पेशेंट बढ़ते हैं तो डेज कम हो जाएंगे, तो देन हम कहेंगे कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन में पहला पोर्शन तो आप उसी तरह से लिखेंगे, बात यहां पर है, रोल यहां पर आपके पास सही लिखने का आता है। अब चूंकि इनवर्स है, एक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा है 35, एक्स आपने पहले लिखा हुआ है, अब इनवर्स की वजह से 35 आपने बाद में लिखना है, यानी कि अपोजिट कर देना है, 10 पहले लिखना है 35 को बाद में। डायरेक्ट में क्या करते थे, जो तरतीब हमने पहले रखी होती थी रेशो में वही तरतीब वही पैटर्न हमने बाद में रखा है, लेकिन अगर रेशो इनवर्स हो तो आपने इनवर्स कर देनी है, यानी कि एक्स अगर पहले है, एक्स का डेटा 35 तो 35 बाद में लगाना, वही रूल है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मींस, 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड देन एक्स का आंसर आ गया। एक्स क्या चीज है, नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज आ गया, दैट बिकम 4, 4 दिन में वो मेडिसिन खत्म हो जाए। अगर 10 पेशेंट 14 डेज में वो मेडिसिन यूज कर सकते हैं तो अगर पेशेंट की तादाद 35 हो जाए तो वो मेडिसिन जो है वो 4 दिन में फिनिश हो जाए। कब, इनवर्स रिलेशन, डेटा सही प्लेस किया और उसके बाद हमने इनवर्स रिलेशन की बात की, ये बात ने करना है। इफ 15 वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट अ रोड
in 24 days? How many days will 40 workers take to do the same job? 15 agar workers lagate hain, 24 din mein wo ek road construct kar dete. Kehte ji worker humne badha diye, hum kaam shayad jaldi karwana chahte hain. Kehta ab kitne dino mein hamara kaam khatam ho jayega? To do the same job. Kya job thi? To construct a road. Ji, shabash kare aur mujhe answer bataye. इसका मतलब है कि आप इस आइडिया को ग्रैब कर रहे हो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. तो ये आइडिया आपको समझ आ रहा है कि हम क्या कहते हैं. ओके, तो देखते हैं कि हमारा आंसर क्या चीज है. तो जब डेटा पहले प्लेस किया और डेटा प्लेस करने के बाद हमने उसका प्रॉपर वे से लिख दिया कि इनवर्स प्रोपोर्शन है. तो देखें, अगर मैंने एक्स एक्स जो है वो अगर पहले लिखा है और एक्स का डेटा 40 है तो दूसरी में देखें उसको बाद में लिखा. बस यही इसमें एक एक चीज है. और मेरी ख्वाहिश ये भी होगी कि आप लोग अगर अपने, क्योंकि ये क्लास 5 में प्रॉब्लम, क्लास 5 की अगर बुक देखेंगे तो वहां पर ये प्रॉब्लम आ रहे हैं क्लास 5 में. तो क्लास 5 में ये प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर आप अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ाना चाहते हैं तो अभी से आपको, हम लगता बच्चे नहीं समझ, बच्चे को क्या जी बस उसको हम रटा लगवा देंगे. नो, उनको बार बार ऐसा कहें कि देखें जी काम हो रहा है, अगर ज्यादा लोग मैं ले आऊंगा तो बताएं जल्दी काम खत्म करेंगे. देख शायद बच्चा पहले आपकी बात ना सुने, लेकिन अगर आप एक दो दफा उसको कंटिन्यूसली ये चीजें कहेंगे तो शायद वो इफेक्टिवली आपकी बात को समझना स्टार्ट करें. तो मुझे इससे बेसिकली ये आइडिया हो रहा है कि इट मीन्स कि आप इस आइडिया को ग्रैप कर रहे हो, समझ रहे. इफ द स्टे ऑफ 6 मैन फॉर 14 डेज in a hostel cost rupee 3,360. कि अगर 6 लोग हैं 14 डेज तक वो किसी हॉस्टल में स्टे करते हैं तो उनका स्टे का जो बिल बनता है वो 3,360. अब यहां पर तीन चीजों का जिक्र हो रहा है, men 6 है, स्टे 14 डेज, टोटल बिल 3,360. फाइंड The cost of stay for 4 men. वो तो उसने आपको 6 men के बिल का बताया. कहता जी आदमी अगर 6 नहीं 4 हो, for 7 days, वो 14 नहीं 7 दिन रहते हैं, आदमी भी कम हो गया, days की तादाद भी कम हो गई, in the same hostel. कहता अब बताएं कितनी cost आएगी. अब आपने बताना है कि how much cost. तीन चीजें आ रही हैं, men, days और cost in the hostel. उनका बिल कितना बने, आप लिख ले. क्या फाइंड करना है? फाइंड द कॉस्ट. तो कॉस्ट आपने पहले लिख, फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट आपने पहले लिख देना है. और बाकी जो दो इंफॉर्मेशन उसकी कोई तरतीब नहीं, चाहे आप डेज पहले लिख दें, चाहे आप मेंस की तादाद पहले लिख दें, ये मैटर नहीं करता. कॉस्ट भी कहीं लिखी जा सकती थी लेकिन फिर वो थोड़ा सा ना वो आपको समझने में मुश्किल होनी थी, तो इसलिए मैंने एक एक, एक पैटर्न बना लिया कि जो अननोन हो गए हम वो पहले लिख लिया करेंगे, बाकी आप किसी तरतीब से लिखें. तो अब तीन चीजें आ गई. रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी. तो ये तो तीन बन गई हैं, तो हम इसको अपने प्रॉब्लम को आप समझ ले दो दफा सॉल्व करेंगे. दो दफा कैसे? ये चीज आपके पास अननोन है और आप इन दोनों में से, डेज और मैन में से कोई एक ले लें, दोनों लेने हैं ना, तो पहले किसे लेना जी वो आपकी मर्जी है. मैंने जरा नोट्सों में ऐसे लिखा हुआ, तो मैं अब आप समझ लें कि हमारे पास सिर्फ कॉस्ट और डेज का जिक्र, कॉस्ट और डेज का जिक्र. कॉस्ट हॉस्टल में कितनी उनका बिल कितना बनेगा, डेज. अब यहां पर किसी जगह पर भी मेन का जिक्र नहीं है तो आपने उसको समझना ही नहीं है. आपने कहना बस ठीक है जितने आदमी है, कितने थे 6, तो 6 ही ठहर रहे हैं, मतलब जिस चीज का जिक्र नहीं है उनको नहीं चेंज किया. तो अब आप जब मैं बताएं अगर 6 आदमी हैं, अगर वो ज्यादा दिनों तक उस हॉस्टल में रहते हैं तो उनका बिल कम बनेगा, ज्यादा उन्होंने अपना स्टे
जितना ज्यादा करते जाएंगे तो उनके उनका जो हॉस्टल का बिल है, कॉस्ट है, हॉस्टल की स्टे कॉस्ट कह दें, तो वो उतनी ही ज्यादा होगी या उतनी कम होगी? उतनी ज्यादा होगी ना। आदमी फर्ज करे वही है, मेंस की तादाद नहीं बदल रही, 6 कह दिया मैंने, तो मैं कहूंगा जी 6 आदमी अगर ज्यादा दिनों तक हॉस्टल में स्टे करते हैं तो फिर ज्यादा दिनों ज्यादा ही कॉस्ट उनको जो है वो पे करनी पड़ेगी डायरेक्ट। तो डायरेक्ट में अब पहले ये लिख लेंगे हम, एक्स की रेशियो 3360 चूंकि डायरेक्ट है, एक्स का कॉरिस्पॉन्डिंग डेटा 7 वो पहले आएगा, इसका डेटा 14 डायरेक्ट चूंकि रिलेशन हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं तो वो बाद में आएगा। तो एक प्रॉब्लम जो है वो आपने जो है वो लिख दिया, ठीक। अब सेकंड, दोबारा फिर इसी क्वांटिटी को लें और इस दफा इसको, अब डेज का जिक्र नहीं है तो फिर हम डेज को समझेंगे कि वो नहीं वेरिएबल, दैट इज कॉस्ट और मैन। डेज फिक्स है, डेज नहीं बदल रहे, डेज उतने ही है जितने जितने पहले थे। फर्ज करे 14 है, डेज फर्ज करे 14 है, तो अब हम कहेंगे डेज की तादाद उतनी है, 14 ही है, वो नहीं बदल रहे। अब आप बताएं अगर मैन की तादाद बढ़ जाए और वो 14 दिनों तक ही स्टे करें लेकिन ज्यादा लोग आ जाएं हॉस्टल में, तो क्या उनको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे? बढ़ गए ना, ज्यादा कमरे ले लिए उन्होंने, फिर ज्यादा ही बिल बनेगा। तो मैन का कॉस्ट के साथ भी डायरेक्ट ही रिलेशन बनता है। अब जरा आ जाएं, कॉस्ट वर्सेस मैन, वो आप एक दफा लिख चुके हैं, कॉस्ट वर्सेस डेज भी आप कर चुके हैं। अब आपने कॉस्ट वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, आपने अब इसको इसके साथ लिखना है। चूंकि ये डायरेक्ट है, एक्स का डेटा 4 है, यानी कि एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा 4 है, तो 4 पहले आएगा और 6 बाद में आएगा। अब इसमें एक्सट्रीम्स कौन है? एक्सट्रीम है एक्स, 14 और 6, जो एंड्स पर है ना, जो एंड्स पर है, ये एक्सट्रीम्स हैं। और मींस कौन कौन से हैं? 3360, 7 और 4। तो रूल लगा दिया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 1120 रुपए उनका बिल पर। अगर 6 आदमी 14 दिन तक स्टे करते हैं तो 3360 बिल बनता है। अगर आप कहें जी 4 आदमी आ जाएं, स्टे भी 7 दिन का हो, अब कितना बिल बनेगा? तो अब ये 1120 बिल बनेगा। लाइक फर्ज करें आप पिछली दफा आपकी कंपनी ने कुछ आदमी भेजे और कह दिया कि जाओ जाके यार हॉस्टल में आप स्टे करना, आपने पिछला बिल निकाला तो पता चला कि पिछली दफा 6 आदमी हमने भेजे थे, 14 दिनों तक उन्होंने हॉस्टल में स्टे किया था, तो 3360 रुपए बिल बना है। अब आप बिफोर टाइम ही कैलकुलेशन करना चाहते हैं, आप उनको बिल देना चाहते हैं, अभी हमसे पैसे ले जाओ, तो पता चले जी इस दफा 6 नहीं 4 आदमी जा रहे हैं और उनका स्टे भी सिर्फ 1 वीक का होगा, तो कितना बिल उनके हॉस्टल को पे करना पड़ेगा? हम अज्यूम कर रहे हैं कि हॉस्टल का जो रेट है ना उसका वो वही है, तो देन इस हिसाब से 1120 रुपए उसका बिल जो है वो बनना चाहिए। आई थिंक सो कि आपको ये चीज जो है वो क्लियर होगी। चले क्वेश्चन 16 है, इफ 8000 आर सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स फॉर 40 डेज, उनके पास आप जो कहते हैं ना घर का खर्चा कह दें, 8000 रुपए उनके लिए सफिशिएंट है, अगर उनकी फैमिली में 4 मेंबर्स हों तो 40 दिन तक वो 8000 रुपए जो भी उन्होंने अपने एक्सपेंस वगैरह करने हैं तो उनके लिए ये एनफ है अपने ग्रोसरी के लिए व्हाटएवर। लेकिन 4 मेंबर की फैमिली और 40 दिन में 8000 रुपया वो खर्च करते हैं, फॉर हाउ मेनी डेज विल रुपीज 15000 विल बी सफिशिएंट फॉर अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। कहता जी अगर उनके पास पैसे 8 की बजाय 15000 हो जाए लेकिन फैमिली मेंबर जो है वो 4 की बजाय 5 हो, अब बताना है कि कितने दिनों तक ये पैसे चलेंगे। ऊपर एक पैटर्न दिया हुआ है, आप उस पैटर्न के मुताबिक अब आपको ये बताना है कि अगर 8000 रुपया 4 फैमिली मेंबर्स के लिए 40 दिन के लिए एनफ है तो कितने दिन के लिए 15000 रुपया 5 मेंबर्स की फैमिली के लिए काफी होगा। तो हाउ मेनी डेज, तो डेज किसी एक साइड पर लिख दे, मैंने कहा था पहले लिख दे, चले मैंने एग्जांपल में बाद में लिख रहा नो प्रॉब्लम, लेकिन जो अननोन था वो मैंने एक साइड पर लिख दिया, बाकी किसी भी पैटर्न से लिख दिया मैंने, रेज और ये
देन लिखते वक्त एक्स एक्स रेशो 40, एक्स रेशो 40 लिख दिया। अब ये डिपेंड करना है कि जी ये पहले लिखना के बाद में इस दफा मैंने मेंबर्स के साथ कंपैरिजन किया। अच्छा, अगर मेंबर्स की तादाद बढ़ेगी, अब डेज क्या है, रिहाइश नहीं है उनकी, उधर रहने का नहीं है, ये है कि वो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके खाने पीने का खर्चा कह दें, अगर मेंबर्स की तादाद बढ़ जाएगी तो उनके पास जो खर्चा है वो फिक्स समझें, वो नहीं चेंज करना आपने, वो 8000 ही है। आप कहें जी मेंबर की तादाद बढ़ गई है, खर्चा वही 8000 की बात कर रहे हैं ना, जिसका जिक्र नहीं है वो फिक्स, वो नहीं चेंज करना। तो मैं तो इस वक्त सिर्फ डेज और मेंबर्स की बात कर रहा हूं। तो मेंबर्स की तादाद फैमिली में बढ़ेगी, जो उनके एक्सपेंसेस हैं, जो उनके पास पैसे हैं, वो ज्यादा दिनों तक चलेंगे, कम दिनों में जल्दी खत्म हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे क्योंकि मेंबर्स और डेज के दरमियान इनवर्स रिलेशन है, उधर आपने एक्स पहले लिखा हुआ है लेकिन इनवर्स की वजह से 5 जो है वो बाद में जाएगा और 4 जो है वो पहले, बिकॉज के जितने मेंबर्स बढ़ेंगे पैसे उनके जल्दी दिनों तक कम दिनों में ही खत्म हो जाएंगे। तो ये तो हमें आइडिया हो। देन सेकंड है, अब आपने डेज और रुपीस की बात करनी है, मेंबर्स की तादाद फिक्स, किसी पर फिक्स कर दे, 4 कर दे या 5, वो नहीं, बस आप समझे मेंबर नहीं बढ़ रहे, मेंबर नहीं बढ़ रहे। अब मुझे आप बताओगे कि मेंबर्स तो नहीं बढ़ रहे, जितने पैसे ज्यादा होंगे उनके पास डेज में खर्च करने भी, ज्यादा दिनों तक वो खर्चा चलेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। मेंबर्स की तादाद वही है, पैसे उनके पास फर्ज करे ज्यादा आ गए हैं, तो ज्यादा पैसे आ गए हैं तो उनका जो खर्च चलेगा ज्यादा दिनों तक चलेगा कि कम दिनों में वो पैसे खत्म हो जाएंगे। मेंबर तो वही हैं, तो फिर जितने पैसे ज्यादा उतने ही ज्यादा डेज तक उनके जो हैं वो पैसे जो है वो यूज कर सकते हैं। तो जितने पैसे बढ़ेंगे उतने ही डेज बढ़ेंगे, जितने पैसे ज्यादा, क्योंकि मेंबर्स की तादाद वही है, तो जितने पैसे ज्यादा उतने डेज ज्यादा। तो डेज और रूपीज में डायरेक्ट है, एक्स हमने पहले लिखा हुआ है, एक्स का डेटा 15,000 डायरेक्ट की वजह से वो पहले, और वो डेटा बाद में। इसमें अब एक्स 5 और ये 8,000, ये एक्सट्रीम्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 5 मल्टीप्लाई 8,000 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और मीन कौन कौन से हैं, 40 है, 4 है और 15,000 है, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स इज इक्वल टू 6 आई थिंक सो के ये आंसर आ रहा है, 60 आई थिंक, तो ये 60 उसका जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। देन हम इस प्रॉब्लम को जो है वो 60, तो 60 रुपीज 60 डेज तक वो खर्च कर सकते हैं, चूंकि उनके पास पैसे 8 की बजाय 15,000 आ गए, ऑल्दो एक मेंबर बढ़ भी गया है, तो देखिए मैंने 80 नहीं किया, मैंने उसके हिसाब से मैनेज करके एंड देन उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट। अच्छा, मैंने शायद अपने नोट्सों में देखें तो मैंने एक एक क्वेश्चन या एक एक एग्जांपल स्किप की हुई है, वो आपकी होम एक्सरसाइज हुआ करे, यानी कि जो मैं स्किप कर दूं, ये नहीं कि ये आउट ऑफ कोर्स है या ये नहीं करनी, वो आपने करनी है, क्यों, वो एक ही पैटर्न पर है, तो थोड़ी सी आपके साथ साथ एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अच्छा, इस नोट्सों में जो लास्ट एग्जाम्पल है, ऑल्दो मैं नहीं समझता कि आपके लिए मैंने लिखी है ऐसा कह लें, लेकिन शायद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज है, क्योंकि हम कहते हैं मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, और हम अपने हर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ा रहे होते हैं, चाहे वो बायोलॉजी का ही स्टूडेंट क्यों ना हो। तो उस जरा एग्जाम्पल को पढ़िएगा, एक्चुअली मैंने उस एग्जाम्पल में ये आपको बताने की कोशिश की है कि रेशो की मदद से किसी भी पॉन्ड में, तालाब में कितनी फिश हैं, मछलियां हैं, गिन सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स, विदाउट कैप्चरिंग ऑल द फिश, के सारी फिश को पकड़ लें और गिन लें। मैं देखिए उसमें मैंने एक प्रतीक बताई हुई है, एक पैटर्न बताया हुआ है कि सारी की सारी फिश उस पॉन्ड से निकाल लें और उनको पकड़ें और गिनें, ऐसा देखिए उस एग्जाम्पल में नहीं है, मैंने बल्कि रेशो की मदद से आपको ये चीज एक्सप्लेन की है कि जी कैसे किसी पॉन्ड में, ऑल्दो ये 100% ट्रू नहीं होगा, लेकिन काफी क्लोज टू द नंबर ऑफ फिश इन द पॉन्ड आ जाएगा, कि जी हम पकड़े बगैर ही फिश बता सकते हैं कि इस पॉन्ड में कितने फिश है। और दूसरा फर्ज करें, अच्छा दूसरा एक और जरा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग आपसे
करते हैं, फर्ज करें कि एक बहुत बड़ा कोई दरख्त है और बिल्कुल उसके ऊपर खजूर का दरख्त है लाइक, और उसके ऊपर चढ़ना भी पॉसिबल नहीं। फर्ज करें ये वो जैसे हमारी यूनिवर्सिटी ने डी ग्राउंड है, उसमें वो बड़े बड़े डेट खजूर के दरख्त लगे। फर्ज करें ये खजूर का दरख्त है, और हमने ये एक्सरसाइज अपने उधर यूनिवर्सिटी में भी की थी, और कहा गया जी कि इस खजूर के दरख्त की हाइट मेजर करनी, इस खजूर के दरख्त की हाइट मेजर करनी है। अब एक क्या पॉसिबिलिटी जी, एक बंदा हम भेजते हैं वो खजूर की टॉप पे चढ़ जाए, वहां पर हम कहेंगे ले भैया या ये फीता जिसे कहते हैं आप इंचिंग टेप ले जाए नीचे लटका दे, हम देखेंगे कि कितना वो नीचे आया, तो पता चल जाएगा ये जी 60 फुट का है, 70 फुट का है या 50 30 जितना भी है। तो ये तो शायद पॉसिबल नहीं है कि आप इस खजूर के दरख्त पे ऊपर बंदा भेजे और अब नीचे खड़े हुए होके और इस दफा बिल्कुल एग्जैक्ट हाइट बता सकते हैं। ये नहीं कि आप कहें जी ये भी अप्रोक्सीमेटली होगी, नहीं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप हाइट बता सकते हैं कितनी। उसका वे क्या है, एक स्टिक ले लें किसी भी हाइट की, मैंने ये नहीं कह रहा कि वो, फर्ज करें ऐसे मैं बोल रहा हूं कि आप एक स्टिक ले लें और वो स्टिक 6 फीट की थी, आपने देखा उसकी हाइट मेजर कर ली स्टिक की, वो 6 फीट की थी, तो आपने ये स्टिक उस खजूर के दरख्त के साथ लगा दी और ये 6 फीट हाइट। एक कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, स्टिक ले ली किसी भी, लाजमी नहीं 6 फीट है, 4 फीट की, मतलब एक स्टिक लें उसकी हाइट मेजर कर लें, वो तो आपके पास ही है ना स्टिक। अच्छा, अब आपको पता है कि ये जो स्टिक है इसका जो शेडो होगा वो जमीन पर होगा, ठीक है ना। अब कितना उसका शेडो होता है ये डिपेंड करता है टाइम क्या है, कभी शेडो होता ही नहीं है, सूरज निकलता है शेडो होता तो है लेकिन एक्चुअल साइज से कम होता है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जितना वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है शेडो की लेंथ भी उतनी ही होती है, और फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जी लेंथ तो कम होती है लेकिन शेडो की लेंथ बढ़ जाती है ना, तो हमें ये कोई कंसर्न नहीं है, ये तो टाइम पर डिपेंड करेगा, लेकिन शेडो उस स्टिक का होगा किधर, जमीन पर होगा ना, किसी भी साइड पर अगर वो डिपेंड करता, फर्ज करो ये उसका शेडो है, ये उस वक्त उसका शेडो था। तो अब आप क्या करेंगे, स्टिक की हाइट आपने मेजर कर ली है वो है 6 फीट, उस वक्त उस स्टिक का शेडो जमीन पे था आप उसे भी मेजर कर ले वो 3 फीट का, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ये जो खजूर है जिसकी हाइट आपको एक्चुअल हाइट, ये एक्चुअल है और ये उसका शेडो है। अब ये जो खजूर होगी इसका तो शेडो भी तो ग्राउंड पर आ रहा होगा ना, वो जो मैंने आपको कहा ना हमारी जैसे डी ग्राउंड है, तो आप उसके शेडो को तो मेजर कर सकते हैं चूंकि वो जमीन पर है। हाँ, उस दरख्त के ऊपर जाना पॉसिबल नहीं था तो आप उसका शेडो उस वक्त जो है वो मेजर कर ले, तो आपने शेडो मेजर कर लिया खजूर का, वो 10 फीट का शेडो है। अब देखें मैं अब डेटा लिखने लगा हूं, एक्चुअल हाइट और शेडो, वो स्टिक जो 6 फीट की है शेडो उसका 3 फीट बनता है। हाइट आपने बतानी है उस ऑब्जेक्ट की जिसका शेडो 10 फीट का, ये क्वेश्चन है। खजूर की हाइट बतानी है ना, खजूर की हाइट का पता नहीं, मैंने एक्स लिख दिया, एक्चुअल हाइट बतानी थी, शेडो का पता 10 फीट है। अच्छा, अब किसी की हाइट अगर ज्यादा होगी उस वक्त की, अगर 6 फुट का होगा तो 3 फिट है, अगर वो 12 फुट का हो जाएगा तो 6 फिट है, इसका मतलब इनमें डायरेक्ट रिलेशन है। तो डायरेक्ट रिलेशन में एक्स इंटू 6 एंड देन 10 इंटू 3, एक्स इंटू 3 इज इक्वल टू 60 और एक्स इज इक्वल टू 20 फीट। वो खजूर 20 फुट ऊंची है, जाके मेजर भी कर सकते हैं, इधर भी देख लें शेडो 3 है, हाइट कितनी उसकी होती है, डबल हो गई ना इस वक्त, यानी कि अगर 3 फुट का शेडो है तो एक्चुअली वो 6 फुट की थी, तो 10 फुट का शेडो है तो इसका मतलब 20 फुट की खजूर है, तो आप तो खजूर के ऊपर नहीं गए। यस, हमने ये एक्सरसाइज वो बच्चे वो जो जी हमें मैथ पढ़ाई जा रहे हैं, तो जब वो एक एग्रीकल्चर का ये स्टूडेंट था तो मैंने कहा अच्छा चलो तुम्हें मैथ नहीं पढ़ाते, आओ जरा, वो आप मैंने उसको ले गया, वो अपने डी ग्राउंड जो हमारे आपने देखा होगा बड़ी ऊंची ऊंची खजूरें बनी हुई ना, मैं कहा लो बेटा ये जरा तुम पास, मैं तुम्हें डिक्लेयर कर दूंगा,
काम तुम्हारा मैथ पढ़ना नहीं, मैथ से तुम्हारी छुट्टी, मैथ से तुम्हारी छुट्टी, मैं तुम्हें पास देखूंगा, लेकिन तुमने ये मुझे खजूर की बिल्कुल सही हाइट बतानी है ऊपर चढ़ के, ऊपर जाना है। वो कहता सर क्यों मरवाना जे, तो मैं कहा फिर मैथ पढ़ बेटा। कहता जी मैथ की मदद से मैं बता सकता हूँ इस खजूर की हाइट कितनी है। मैं कहा बिल्कुल बता सकता। तो ये मैंने एक्सरसाइज उसको की तो फिर उसे समझ आई। कहता हाँ जी सर जी, खजूर से चढ़ना मुश्किल है, मैथ पढ़ना आसान। ठीक हो गया। तो ये आपको एक्चुअली मैथ का एक्चुअल यूज बताया मैंने, और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम हम जब प्रैक्टिकली उन लोगों को पढ़ाते हैं। बहाल आपको आइडिया होना चाहिए कि क्यों क्यों हम ये रेशो प्रोपोर्शन पढ़े जा रहे हैं, क्या फायदा है इसका। तो हमें शायद चीजें समझ भी आनी चाहिए कि किसका क्या। ठीक है जी। अगर इसके रेलेवेंट ये हमारा आज का प्रपोर्शन है, मैंने कल कहा था। अच्छा, नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नेक्स्ट जो है खुद पढ़कर आपने आना है, दैट इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू परसेंटेज। परसेंटेज के अब आपने प्रॉब्लम्स पढ़नी, ये हमारा नेक्स्ट मैथ का होगा, और ये शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बाकी सब्जेक्ट के लिए भी, और बाद वाले आने वाले सब्जेक्ट के लिए भी शायद ये बहुत ज्यादा चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो तीसरा टॉपिक हमने कवर करना है, रेशो पढ़ ली, प्रोपोर्शन पढ़ ली, रेलेवेंट प्रॉब्लम पढ़ लिए, और तीसरा टॉपिक अब हम पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट लेक्चर में हमने कवर करना है, दैट इज परसेंटेज प्रॉब्लम्स क्या। ठीक है जी। तो अब आप स्टैटिस्टिक्स की क्लास पढ़ेंगे।